हाँ बोलो। सुनो ना, आज घर पे बहुत सा काम निकला है, अभी तक पेंडिंग पड़ा है। प्लीज तुम आलिया को स्कूल से पिक कर लोगे क्या? अच्छा ठीक है। थैंक्स। पापा सरप्राइज। हाँ आपकी मम्मी के बदौलत। अरे LIC प्रीमियम की आज आखिरी डेट है, जाना पड़ेगा। बेटा तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। चलो भाई, फाइनली प्रीमियम का अमाउंट तो भर दिया, अभी निकलते हैं। ऑफिस गए थे ना, तो वहाँ पे मैंने एक स्लोगन पढ़ा, क्या आप उसका मीनिंग बता सकते हो? जरूर बताओ। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। जिंदगी के साथ भी मतलब मानो अभी गाड़ी चल रही है और एक्सीडेंट हो जाए और किसी को चोट लग जाए या फिर किसी का हार्ट टूट जाए, तो ये जो नुकसान है ना वो इंश्योरेंस कंपनी भर के देती है। तो हुआ ना जिंदगी के साथ भी। अच्छा, और जिंदगी के बाद भी का मतलब? जिंदगी के बाद भी मतलब कैसे बेटा? अगर किसी एक्सीडेंट में किसी की मौत हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी उसको ढेर सारा पैसा देती है। अच्छा, लेकिन पापा इसमें मरने वाले का क्या फायदा? बेटा कोई भी इंसान ये चाहता है कि उसके बाद उसके घर वालों को कोई परेशानी कोई दिक्कत ना है। और वो खुद? पापा क्या ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिसमें मरने के बाद भी उस आदमी को फायदा मिले? बेटा नहीं, बेटा ऐसी कोई पॉलिसी नहीं होती, ऐसी पॉलिसी कौन बनाता है? हाँ है ना, मेरी वो क्लासमेट अस्मा, वो कहती है ऐसी एक पॉलिसी है। अच्छा क्या पॉलिसी है? और पापा उस पॉलिसी के प्रीमियम के पैसे भी नहीं भरने पड़ते। हाँ बगैर पैसे के प्रीमियम वाली पॉलिसी? हाँ पापा, और प्रीमियम भी बड़ा आसान है। क्या है पॉलिसी? एक खुदा की इबादत करो, अपने अम्मी अब्बू की इज्जत करो, शराब जुआ भ्रष्टाचार अत्याचार ब्याज लालच से बचो, गरीबों पीड़ितों विधवाओं और यतीमों का खास ख्याल रखो। अस्मा बता रही थी ये सब करने से मरने के बाद भी फायदा होता है, खुदा हमसे खुश हो जाता है और हमें व्हाइट हाउस से भी बड़ा घर दिलाता है, वो भी फ्री में। बेटा पॉलिसी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसका कोई ब्रोशर है? रुको मैं आपको दिखाती हूँ, अस्मा ने व्हाट्सएप पे भेजा है। बाकी की इन्फॉर्मेशन आप नेट से ढूंढ लेना। ये भी अच्छा स्लोगन है ना पापा, जीवन के साथ भी मृत्यु के बाद भी।
एक खुदा की इबादत करो, अपने अम्मी अब्बू की इज्जत करो, शराब जुआ भ्रष्टाचार अत्याचार ब्याज लालच से बचो, गरीबों पीड़ितों विधवाओं और यतीमों का खास ख्याल रखो।